Very very warm welcome of yourself to this amazing beautiful star channel of PCM by Shaurya Chauhan. In today's video we will discuss about speed, which is the very most important component of the chapter first of the class 9 physics, which is motion. And by the way, this is lecture 2 and we will discuss about speed, what is speed, types of speed and etc. So without wasting any quantity of time, let's start our video. Firstly, we have to know what is speed. So the ratio of distance traveled to the time taken by the body to cover this distance is known as speed. Basically, आपने मैथ में पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में. तो वही स्पीड है यहाँ पर, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो डिस्टेंस और टाइम, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर दिस डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड. मीन द रेशियो मतलब कि डिवाइड, जैसे एस इक्वल्स टू डी अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर दिस डिस्टेंस, और ये डिवाइड का साइन है, इसे बोलते हैं हम रेशियो. तो एस को हम ऐसे लिख सकते हैं डी रेशियो टी, विच इज ऑल्सो रिटन एज डी अपॉन टी. दिस इज द स्पीड. नाउ लेट्स कैरी ऑन. सेकेंड, स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया हाउ फास्ट और स्लो दैट बॉडी इज मूविंग. स्पीड हमें ये बताता है कि कोई बॉडी है वो कितनी स्लो चल रही है और कितनी फास्ट चल रही है. अब जैसे ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है, ये चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर से और ये चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से. अब इनमें तेज कौन सी है, यूनिट दोनों की सेम है तो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि कौन सी तेज चल रही है. तो यहाँ पर यूनिट सेम है तो हमको जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वही ज़्यादा तेज चल रही होगी. तो फर्स्ट बॉडी इज मूविंग फास्टली देन द सेकेंड बॉडी. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. नाउ थर्ड पॉइंट, स्पीड वी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन, मीन्स वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी. वी कैन राइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज डी और एस एंड टाइम एज टी एंड स्पीड एज वी. इट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. नाउ लेट्स कैरी ऑन. सम इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट स्पीड. फर्स्ट पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर्स पर सेकेंड. अब इसे हम डिराइव करके देखते हैं. हमने पढ़ा था एस इक्वल्स टू क्या होता है, वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी. अब एस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, मीन्स डिस्टेंस की मीटर, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था पिछले लेक्चर में. और टाइम की होती है सेकेंड, और ये है साइन डिवाइड का. तो वी की स्पीड क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्पीड आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इन द यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच इज रिटन एज सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर सेकेंड पर माइनस वन. जो छोटे वैल्यूज होती हैं स्पीड की, जैसे 0.5 मीटर पर सेकेंड, अब ये इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी हम सेंटीमीटर में लिख देंगे इसे, तो क्या बन जाएगा ये. तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो हम इसे अगर रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो ये लग जाएगा 0.5 मीटर अपॉन वन सेकेंड. तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में. तो आपने पढ़ा होगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 0.5 0.5, सो इट बिकम्स 0.5 मीटर एंड इट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 50 सेंटीमीटर. सो दिस यूनिट मीन्स, और यू कैन से दिस स्पीड इज सेम एज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड.
नाउ लेट्स कैरी ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस हाई वैल्यूज वी यूज द यूनिट ऑफ किलोमीटर्स पर आवर विच कैन बी रिटन एज किलोमीटर पर आवर और के एम पी एच और के एम एच पावर माइनस वन. अब इनको भी देख लेते हैं. अब जैसे लिखा हो 5000 मीटर पर सेकेंड तो भी इतना अच्छा नहीं लगेगा जैसे कि किलोमीटर पर आवर में लगेगा. तो अब से चलो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हमें इसे रेशियो में लिखना होगा. तो ये हो जाएगा 500 मीटर अपॉन 1 सेकेंड. तो आपने पढ़ा होगा 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. एंड इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5 इट विल बिकम 5000 मीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. सो वी कैन राइट 5000 मीटर इज 5 किलोमीटर. एंड वी विल ऑल्सो कन्वर्ट 1 सेकेंड इन टू आर. सो 1 सेकेंड विल बी इक्वल्स टू 1/60 इंटू 60 किलोमीटर पर आर. एंड इट इज इक्वल्स टू 1/3600 आवर. सो 5000 मीटर पर सेकेंड. सो वी कैन राइट इट एज 5 किलोमीटर अपॉन 1/3600 आर. सो इट विल बी इक्वल टू 3600 इंटू 5 किलोमीटर पर आर विच इज इक्वल्स टू 18000 मीन्स 80,000 किलोमीटर पर आर. और डायरेक्ट फॉर्म टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आर. आपको ये समझ में आ गया होगा तो मैं इसे अब मिटाल रहा हूँ. डायरेक्ट मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने का. तो यहाँ पर हमें करना होगा तो हमें इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा. और अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज और यू कैन से स्केलर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन. मीन्स जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती उन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है नो डायरेक्शन इज देयर. आप फॉर्मूले से ही पता कर सकते हैं कि v इक्वल्स टू डी अपॉन टी. जब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर डिवाइड बाई स्केलर एक स्केलर क्वांटिटी तो आएगी ना. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड ऑफ ए कार इज गिवन बाई स्पीडोमीटर विच इज फिक्स्ड इन द कार एंड इट गिव्स द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. आपने कार चलाते समय या कार में बैठे समय देखा होगा कि इस एक स्टेयरिंग के नीचे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उसे हम बोलते हैं स्पीडोमीटर जो कार में फिक्स होता है और ये हमें स्पीड बताता है और वो कौन सी स्पीड बताता है किलोमीटर पर आवर में. और कार में एक ऑडोमीटर होता है जो छोटा सा होता है आपने देखा होगा ऐसे बाइक्स में ऐसे होता है और यहाँ पर कुछ डिस्टेंस आता है तो वही बता वो होता है ऑडोमीटर जो हमें डिस्टेंस बताता है. नाउ और
ओडोमीटर भी हमें किलोमीटर की यूनिट में डिस्टेंस बताता है जो कार में या मींस मोटर बाइक में फिक्स होता है। नाउ कम्स एवरेज स्पीड। फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। मीन्स जो एवरेज स्पीड होती है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने v इक्वल्स टू डी अपॉन टी। मतलब ये हमारी होल जर्नी का नहीं था, जैसे हम यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ तक हमने कवर कर लिया है तो जो यहाँ तक डिस्टेंस किया है, मीन्स यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और यहाँ पर जो टाइम लगा है उसकी यहाँ पर स्पीड आएगी, जो कि एवरेज स्पीड नहीं कहलाएगी। एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की कहलाएगी। मीन्स जो इतना डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं टी डी मीन्स टोटल डिस्टेंस, और जो पूरा टाइम लगा है जो कि टी टी यानी कि टोटल टाइम, वो होता है हमारा एवरेज स्पीड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स फार्मूला। फार्मूला इज एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन एज आई टोल्ड यू। नाउ कम्स यूनिफॉर्म स्पीड। वी कैन ऑल्सो कॉल यूनिफॉर्म स्पीड एज कॉन्स्टेंट स्पीड। फर्स्टली वी हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नो मैटर हाउ दीज टाइम इंटरवल्स में भी। यहाँ पर आएगा नो मैटर। तो और एक और डेफिनेशन होती है इसकी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज सेम और कॉन्स्टेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन सच स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। अब आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे बॉडी इतनी चली है, ये शुरुआत में 0 मीटर पर थी विच इज़ एट मान लो 10 AM। यहाँ पर आ गई है 11 AM पर, जो कि चली 2 किलोमीटर पर आ गई। फिर चली है यहाँ पर आ गई 12 AM पर और 4 किलोमीटर पर आ गई। और यहाँ पर थी ये 1 AM पर, सॉरी 1 PM पर, 1 PM पर, और ये आ गई 6 किलोमीटर। अब सबसे पहले टाइम इंटरवल देखते हैं। टाइम इंटरवल 11 - 10 1 hour, 12 - 11 1 hour, 1 - 12 1 hour। टाइम इंटरवल्स आर सेम। नाउ कम्स डिस्टेंस 2 किलोमीटर माइनस 0 मीटर। जीरो वी कैन स्पीक और वी कैन से 0 मीटर एज 0 किलोमीटर बिकॉज इट इज मैग्नीट्यूड 0। सो इफ वी मल्टीप्लाई 0 विद एनी नंबर इट कम्स 0 और यू कैन से द रिजल्टेंट इज 0। सो द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 AM टू 11 AM इट इज 2 किलोमीटर। 4 - 2 2 किलोमीटर, 6 - 4 2 किलोमीटर, एंड 2, 2, 2 आर सेम। सो इट इज यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज टाइम इंटरवल्स आर सेम, डिस्टेंस कवर्ड इज सेम इन द टाइम इंटरवल्स। सो वी कैन से इट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब जैसे सेकेंड डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पर कितना, ये 1 घंटा था मीन्स टाइम इंटरवल, और यहाँ पर स्पीड कितनी होगी 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कितनी होगी 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी कितनी किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर। टाइम इंटरवल 1 hour 1 hour एंड 1 hour, स्पीड सेम। सो आई होप आपको ये सेकेंड डेफिनेशन और फर्स्ट डेफिनेशन दोनों समझ में आ गई होंगी। सो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो आपको समझ में आ गया है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर है इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, नॉन यूनिफॉर्म के लिए यहाँ पर होगा अन इक्वल डिस्टेंसेस। और यहाँ पर इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉट सेम, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट की जगह वेरिएबल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन सच स्पीड इज कॉल्ड एज
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ पर भी नॉन हो जाएगा फिर। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। लेट्स कैरी ऑन नाउ, लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल केसेस ऑफ एवरेज स्पीड। नाउ केस फर्स्ट इज इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज विद स्पीड v1 v2 v3 एंड सो ऑन टू vn, देन एवरेज स्पीड इज। अब जैसे ये एक पाथ है, यहाँ पर चल रहा है v1 से, यहाँ पर v2 से एंड सो ऑन टू यहाँ पर vn से। अब मान लेते हैं यहाँ पर लगा टाइम t1, यहाँ पर लगा t2 और सो ऑन टू यहाँ पर लगा tn, और डिस्टेंस ये इक्वल है, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है एंड सो ऑन टू ये भी ऐसे है। अब हम एवरेज स्पीड को वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म्स में ले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा एस अपॉन v1, t2 हो जाएगा एस अपॉन v2 एंड सो ऑन टू tn हो जाएगा एस अपॉन vn। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मीन्स अगर यहाँ पे ये n इक्वल डिस्टेंसेज हैं तो यहाँ पर s प्लस n एंड सो ऑन टू n आएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n s अपॉन t1 t2 t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब हम t1 t2 को ऐसे लिख सकते हैं, ये s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 प्लस s अपॉन v3 एंड सो ऑन टू एस अपॉन वी एन। नाउ अगर हम इस एवरेज स्पीड में कुछ ऑपरेशंस करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऊपर है एन एस, अब अगर नीचे से भी हम एस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा ये 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस सो ऑन टू 1/vn। अब यहाँ पर एस से एस काट देंगे तो हमारी फाइनल एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, फाइनल एवरेज स्पीड आ जाएगी एन अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस सो ऑन टू 1/vn। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो वी एवरेज विल बी एन अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस सो ऑन टू 1/vn। अब ये 9th क्लास में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब आप 11th में अगर बायो या मैथ लेते हैं तो आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली इसकी। इसमें दो केस बनते हैं ज़्यादातर 11th में भी, और 9th में बहुत कम ही बनते हैं, कि स्पीड v1 और v2 से इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो क्या होगा, मीन्स टू एवरेज स्पीड क्या होगी। अब यहाँ पर कितनी n है, मतलब कहाँ तक जा रही है स्पीड, 1 एंड 2 तक, तो n की जगह 2 रख दो, तो 2/1/v1 प्लस 1/v2, तो हमारी ये क्या है 1/v1 एंड 1/v2। ये एक स्पेशल केस है, तो 1/2/1/v1 प्लस 1/v2 इट इज इक्वल्स टू वी एवरेज। नाउ इससे अब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2/v1 प्लस v2/v1v2। अब अगर हम इसे ऐसे ले यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो बन जाएगा 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये केस है 2 डिफरेंट वेलोसिटी से इक्वल डिस्टेंस कवर करने का। तो नोट डाउन, फर्स्टली पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड सब केस विच इज इम्पोर्टेंट फॉर
क्लास 11th एज वेल एज क्लास 9th. 9th के लिए थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन 11th के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है. तो जैसे एक ये पाथ है, यहाँ पर V1 से, यहाँ पर V2 से, यहाँ पर V3 से, ये डिस्टेंस इक्वल है. तो हमें बताना है यहाँ पर वी एवरेज, मीन्स एवरेज स्पीड. तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 वेलोसिटीज गिवन है. तो 3 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3. तो यहाँ पर 3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 अपॉन V1 V2 एंड V3. तो अगर हम इसको मींस V1 V2 V3 को न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये बन जाएगा 3 V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1. सो नोट इट डाउन फास्टली एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. सो नाउ लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट केस, विच इज केस 2. नेक्स्ट केस इज केस 2, विच इज If a body have speed V1, V2, V3 and so on to Vn for equal intervals of time, then the average speed is. तो चलो अब एक केस लेते हैं. जैसे ये पार्टिकल का जो और यू कैन से बॉडी का पाथ है, यहाँ पर टी टाइम लगता है, V1 से जाता है और S1 ये डिस्टेंस है, V2 टी टाइम, S2 डिस्टेंस एंड सो ऑन टू टी टाइम, Vn, Sn ये डिस्टेंस है. अब एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड आपको पता है कि S1 प्लस S2 मतलब कि टोटल डिस्टेंस यही होगा, डिवाइड बाय टी प्लस सो ऑन टू टी. अब यहाँ पर n बार ये मतलब n स्पीड आ रही, मतलब कि n t होंगे. और S1 को हम लिख सकते हैं V1 इंटू टी, तो V1 टी प्लस V2 टी प्लस सो ऑन टू VN टी अपॉन N टी. नाउ ये हमारी एवरेज स्पीड है. अगर हम न्यूमेरेटर में से टी को हम लेते हैं तो बन जाएगा ये V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन टू VN अपॉन N टी. तो टी से टी कैंसिल आउट, so it becomes V1 plus V2 plus so on to Vn upon n. This is V average. So note it down firstly, or you can pause the video. So here V average will be V1 plus V2 plus so on to Vn upon n. अब पिछले वाले ही सब केस इसमें लगा लेना तो आपके पास फर्स्ट सब केस के लिए आ जाएगी वैल्यू V1 प्लस V2 बाई 2 एंड सेकंड के लिए आ जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3. नाउ कम्स द फर्स्ट एग्जाम्पल. सो आई एम गिविंग 10 क्वेश्चंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू यू. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Your time ends now. So now let's solve this question. So a scooterist covers a distance of 3 km in 5 minutes. Calculate his speed in centimeter per second. तो अगर हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना है तो हमें डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में लेना होगा और टाइम हमें सेकेंड्स में लेना होगा. तो चलो डिस्टेंस को फर्स्ट को देते हैं, डिस्टेंस को लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में. तो 3 × 1000 ये हो गया मीटर में. अब इसमें अगर सेंटीमीटर में बनाना है तो हमें ये 100 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तब ये बनेगा सेंटीमीटर में. तो ये हो जाएगा 3 1 2 3 4 5 0 सेंटीमीटर. नाउ डिस्टेंस नाउ कम्स टाइम इज 5 मिनट्स एंड इफ वी
convert 5 minutes into seconds, so we have to multiply 60. So it will become 300 seconds. Now V will be 3, 1, 2, 3, 4, 5 upon 3, 1, 2. 2, 0, 2, 0 cancel out, 3, 3 cancel out. So V will come out to be 1000 centimeter per second. ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का. तो चलो केवल सबसे पहले आप इसे नोट कर लो. आई होप आपने नोट कर लिया होगा. तो अब इसे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं फर्स्ट में. फर्स्ट का आंसर है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो इट इज 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड फर्स्ट का आंसर. नाउ सेकेंड में अगर हमें करना होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट इससे ही मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 1000 सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 अपॉन सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सेकंड में तो पहले से ही है वो, तो वन सेकंड तो 0 to 0 कैंसिल आउट, सो इट विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड. दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट. नाउ कम्स थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर में मैंने आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि 10 मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 का. तो चलो 10 × 18/5, तो 5 विल कैंसिल आउट 10/2 टाइम्स, सो इट विल बिकम 18 × 2 एंड दिस विल कम आउट टू 36 किलोमीटर पर आवर, विच इज अवर करेक्ट आंसर. सो नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन. हियर इज द सेकेंड क्वेश्चन, or you can see the second example. The train A traveled a distance of 120 km in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 km in 4 hours. Which train traveled faster? I am giving you 10 seconds to do this question, or you can pause the video to do this question. Your time starts now. Your time ends now, so let's solve this question. Now, train A the distance traveled by the train A is 120 km and the time taken is 3 hours. So, the speed will be 40 km per hour, because 120 by 3 is 40. And that of second train, which is B, is 180 km upon 4 hours. So it will come out to be 45 km per hour. So speed से पता चल रहा है कि ये 40 से चल रही है, ये 45 चल रही है, ये train A का है और ये train B का है. So we can, the conclusion is train B traveled faster than that of A. So let's carry on to the third example. Third example is this. A car travels 90 km at a uniform speed of 4 km per hour and the next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour. Find its average speed. ये कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इक्वल है 30 किलोमीटर पहले किया है, जिसकी जो किया है 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर किया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, or you can pause the video to solve this question. Your time starts now. Your time ends now, so let's solve this question. Distance traveled is same, so I have given you the
shortcut to find the average speed when the distance traveled is equal and the velocities are different. That is n upon 1 upon v1 plus 1 upon v2 plus so on to 1 upon vn. And this is the subcase that two different velocities are given and the distance is equal. So that is 2v1 v2 divided by v1 plus v2. So put the values of v1 and v2 in this, then the average speed will come. Here v1 is 4 and v2 is 20. So 2 into 4 into 20 upon 20 plus 4. It is 8 into 20 upon 24 and 8 3 is 24. So the average speed will come out to be 20 upon 3 km per hour. I hope you have understood this correctly. So now let's carry on to the fourth example. Fourth example is this. On a 120 km track, a train travels the first 30 km at a uniform speed of 30 km per hour. How fast must a train travel 90 km so as to average 60 km per hour for the entire trip? So yahan par hame given hai ke ek 120 km ka track hai jis par ek train first 30 km to chal rahi hai 30 km per hour ki speed se. तो यहाँ पर हमें टाइम पता पड़ गया 1 आवर है. और सेकंड है, हमें पूछा गया है कि अब 60 मतलब जो 90 किलोमीटर बचा है उसमें कितनी तेज चले ट्रेन कि एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए. तो आई एम गिविंग 10 सेकंड्स टू डू दिस क्वेश्चन और यू कैन पॉज द टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Your time ends now, so let's solve this question. So let's draw the path like this. This hole is 120 km long, this whole path, and this is 30 km long, and the speed is 30 km per hour. So we can conclude that the time taken is 1 hour and rest is 90 km. V means speed we have to find and time is not known. So we have given V average, it is 60 km per hour. We can write V, no, we can write T as 90 upon V, and we know the formula of average speed, which is 60 km per hour is equals to 120, which is the total distance, upon 1 hour, which is the T1, plus means T2, which is 90 upon V. This is equals to 120 V by V plus 90, and it is equals to 60. So 120 V upon V plus 90. 120 V upon V plus 90 is equals to 60. So let's solve this. It will come out to 120 V equals to 60 V plus 5400. So 60 V will be equals to 5400. 0 to 0 cancel out. V will come out 90 km per hour, which is our correct answer. So rest two are your homework, this one and this one. Take the screenshots and I will provide you the PDF of this one, so don't worry. Now these questions are of your practice. So next, thank you, bye bye, tata, see you. Thanks for watching this video. We'll meet in the next video, which is lecture 3rd of class 9 physics chapter 1 motion, and which is based on velocity. So till then, tata, bye, see you. Like, share, subscribe. Thanks for watching this video.